इसकी वो मिल जाए, कोलैबोरेशन मजा नहीं आ जाए। जो लोग अमीर होते हैं ना, जो अमीर जगह जॉब करते हैं, ये सिर्फ वहीं पे होते हैं। क्यों देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब घर के बनाए हुए हैं। एंड हम आज जा रहे हैं तो अपना तीसरा काम करने। स्ट्रेंथ बन रही है, मेरे शोल्डर्स ने मतलब वहीं पर दम तोड़ दिया। आज हम डंबल नहीं यूज करेंगे, लक कह लो या फिर किस्मत कह लो या फिर टाइम कह लो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है हमारा मंडे एंड हम जो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हो, हम कर रहे हैं जिम से। होपफुली जिम में कोई भी नहीं है आज, लक कह लो या फिर किस्मत कह लो या फिर टाइम कह लो, क्योंकि टाइम शायद टाइम हो रहा है 13:06, मतलब 1:06 हो रहा है। एंड आज जो हम वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे चेस्ट से। सो हमारा आज 45th डे है आउट ऑफ 69 डेज चैलेंज का। सोचो कितने करीब आते जा रहे हैं हम। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के वर्कआउट को। चेस्ट आज हम डंबल नहीं यूज़ करेंगे, डंबल मिनिमम यूज़ करेंगे, आज हम बेंचेस यूज़ करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया ना हमें डंबल यूज़ करते हुए चेस्ट में, तो आज हम बेंच से इंसान बचता है क्योंकि डंबलों पे वेट उठा लेता, बेंच पे नहीं उठा पाता। तो आज हम बेंच पे ट्राई करेंगे। एंड शोल्डर भी ठीक है मेरा, सारा कुछ ठीक है। Wake up kicking myself, exhale cause I heard it helps, but same old way I felt, resting on my shoulders, cold night in a sleepless bed, white eyes with a glaze of red, I'm going round and round, it won't let me out, when I swim, I'm drowning in I sink when I swim from the pressure in my गाइज। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन दी एक्सरसाइजेस, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अभी मुझे अपनी लिमिट पता लगी कि इस मशीन के ऊपर मेरी लिमिट कितनी है। ये 60 किलो वेट लग रहा है, 30 इधर एंड 30 इधर। तो अभी मतलब इनिशियल ये मेरा भी 5वां सेट है इस एक्सरसाइज में, तो मैं देख रहा था कि मैं कितना मतलब मैक्स छू सकता हूँ। तो अभी जब मैंने इसे उठाया था तो इसे मैक्स टू मैक्स मेरे तीन रैप्स लगे। एंड फिर जैसे मैं चौथा आया, मेरे से आगे नहीं बढ़ा गया, मेरे शोल्डर्स ने मतलब वहीं पर दम तोड़ दिया, तो एकदम ये पीछे गिर गए। अब इशू क्या आ रहा है, इशू इस सिंपल सा है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ 15-20 सेकेंड का, मैंने कहा फिर से उठाता हूँ, वो भाई उठे नहीं। वो मुझे लगा मैं 5 रैप निकाल दूंगा, बट ना। तो ये मेरा टारगेट हो गया है कि मुझे नेक्स्ट टाइम मतलब अपने डेज ख़त्म होने से पहले, ये 60 है, मैं कोशिश करूँगा 70 या 75 तक जाने के लिए, क्योंकि उससे मैं एटलीस्ट 5 रैप निकाल सकूँ। क्योंकि 5 जो होते हैं वो मिनिमम कट ऑफ होते हैं कि एटलीस्ट तो मैं अपने मैक्स टू मैक्स वेट से 5 तो निकालने की कोशिश करूँ। तो ये एक रीज़न था जो मैंने आपको बीच में रोका एक्सरसाइज के। कोई नहीं, यू इन्जॉय फिर। सो गाइज, फाइनली डन विद द चेस्ट वर्कआउट। एंड टाइम हो रहा है 3:05, बट अभी एक चीज़ रहती है, अभी मैं पैकअप नहीं कर रहा। अभी
अभी क्या सोच रहा हूँ मैं, लाइट चला दी भैया गुस्सा करेंगे, सारी लाइट को चला दी। कोई लाइट नहीं चलाते क्योंकि सारी लाइट एक साथ जल रही है ना, एंड बिजली वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ एक जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। चार पांच जने होते तो एक बार को मैं थॉट लाता भी कि हाँ चलो यार लाइटें चला लेते हैं, बट कोई नहीं, अपने को तो सिर्फ वही करना है, स्ट्रेचिंग, सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। हाँ, पर उससे पहले एक और चीज़, मैं क्या कह रहा था, अपना वो बिछा दिया अपने चद्दर, कि मैं देखता हूँ कि कितनी पुशअप लग रही है क्योंकि अभी सिर्फ चेस्ट बस्ट करके आ रहा हूँ मैं, तो लेट्स ट्राई कितनी पुशअप मार पाता हूँ मैं, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेंथ बड़ी या फिर नहीं बड़ी। रेडी स्टडी, 20 का टारगेट है मेरा। वैसे एक माइंड मेकअप बनाना पड़ता है ना, अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक नंबर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में हमेशा, ऑलवेज। रेडी स्टडी गो। My God, 20 done means मतलब स्ट्रेंथ बन रही है। चलो happy for me, स्ट्रेचिंग करते हैं फिर जाते हैं, see you at home। अभी जस्ट खाना वाना खा लिया था, कैमरे का लेंस लगवाया यार, मेरे फ़ोन के कैमरे का लेंस निकल गया था एंड बहुत दिन से डिले भी हो रहा था, तो मैंने आज फाइनली हिम्मत करके मैंने लेंस लगवा ही लिया है। छोटे मोटे काम और बच रहे हैं अभी, वो करते हैं पूरे, फिर बताता हूँ आपको और क्या क्या है। पहले थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बनवा लूँ यार, फिर करता हूँ बाकी के काम। अपन मतलब शेविंग करवा के, मतलब दाढ़ी वाड़ी बनवा के एंड कैमरे का लेंस भी लगवा लिया हमने फ़ोन का, एंड हम आज जा रहे हैं तो अपना तीसरा काम करने। जो हमारा तीसरा काम है वो एटलीस्ट मतलब 6 से 7 महीने से पेंडिंग है, मतलब 6 से 7 महीने हो गए वो काम पूरा ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, या फिर उसे तुम लीनियंसी कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो। जब 6 से 7 महीने तक मुझे 10 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर सका मैं, तो जिसे लीनियंसी कहेंगे। फिर ये जो इम्पोर्टेंट काम है ये हमारा चार्जर लाने का, मतलब मुझे लैपटॉप का चार्जर लाना है अपना, तो इसके लिए मैंने 6 से 7 महीने ले लिए और मैं किसी और का चार्जर यूज़ कर रहा था अभी से। तो अब चार्जर ले आते हैं, मैं जा रहा हूँ शिवा टावर, शिवा टावर से चार्जर लाऊंगा, वहाँ थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा एंड गारंटी भी रहेगी, क्योंकि पास से ला रहा हूँ तो ख़राब हो गया तो अगले दिन जाके तुम कह सकते हो हाँ भाई ख़राब हो गया यार, इस वजह से वहीं से ला रहा हूँ। फिर टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं आसपास, जल्दी से चार्ज, फिर से बीच में स्टोरेज फुल हो गई थी फ़ोन की, जल्दी जल्दी उसे खाली करा है। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था जल्दी जल्दी जाते हैं चार्जर लेते हैं, फिर घर जाते हैं, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। आज मैं सोया नहीं कोई एक्स्ट्रा टाइम से, भी उठ गया था क्योंकि कल संडे था। अब चलते हैं जल्दी जल्दी बस। ओके ओके, सी यू एट शिवा टावर और फिर उसके बाद घर। हम पहुंच चुके हैं शिवा टावर एंड यहाँ खड़ी हमारी बुलेट एंड कंधा कितना हो रहा है यार, 2 मिनट में काम हो गया, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं मिला और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक ठीक है, काम चल जाएगा मेरा, 1-1.5 साल काम चलाना है मुझे, उसके बाद मैं नया लैपटॉप लूँगा यार। थोड़ा ये बहुत ही ज़्यादा बहुत आउटडेटेड हो चुका है ये वाला लैपटॉप, आपने देख लिया होगा लेनोवो का थिंकपैड है यार ये, 1-2 साल हो जाए फिर उसके बाद दूसरा चलाएंगे।
चलते हैं अब यहाँ से जल्दी जल्दी, टाइम क्यों वेस्ट करना। गाइज अपन निकल चुका है सफर के लिए, आज हमारा मंडे पहला दिन फिर से इस वीक का। अभी जब मैं निकला था तो इतने टेस्टी मोमोज खाए थे, मतलब घर पे बनाए थे वो मोमोज भाई और भाभी दोनों ने मिलके, मतलब इतने टेस्टी और इतने यम्मी थे ना कि मतलब देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब घर के बनाए हुए हैं, और मतलब खाने में भी नहीं लग रहा था कि घर के बने हुए हैं वो। मैंने एक दो बार कन्फर्म करा, मैंने कि घर पे बनाए हैं बाहर से मंगाए हैं, कहते बाहर से मंगाए हैं, यार मतलब घर के बनाए हुए थे। छोटी सी जगह में इतना सारा जाम लग जाता है ना एक दो गाड़ियों के वजह से, अब देखो चल ही नहीं रहा यार। इससे पहले वो पूरी लाइन लगी हुई है वहां तक आगे तक, 100-200 मीटर कवर करने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। बताओ बंदा कहे तो कहे कैसे कि जाम ना लगता है। एक तो ई रिक्शा वालों की भी मेहरबानी होती है थोड़ी बहुत, बाइक वाले अपनी धुन में चल रहे होते हैं कुछ, वहाँ पुलिस वाले खड़े होंगे ऑब्वियसली, इसलिए सब बच बचा के निकल रहे हैं। सिंपल ये हैं 3 मेजर रीजंस, रीजन होता है शो विद व्हाट इज दिस। आज नहीं हटेगा ये देखो, मैं दिखा, पता नहीं कुछ भी नहीं है यार, लेफ्ट भी नहीं जाने देते लोग। हाँ जाओ 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 सर, तेरा दिल से उधार गोरिये आंखों की आगे पड़ता है पर्दा। चलो गाड़ी आ गई है फुल फॉर्म में, अब हम मिलते हैं आपको सीधा ऑफिस के बाद। सो गाइस फाइनली इट्स 4:21 AM एंड मैं लिफ्ट में हूँ, काफी टाइम बाद लिफ्ट में दिखाऊंगा, मुझे पता है। ये अमीर जहाँ जो लोग अमीर होते हैं ना, जो अमीर जगह जॉब करते हैं, ये सिर्फ वहीं पे होते हैं लिफ्ट, जो गरीबों वाली जगह नहीं होती वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं सिर्फ सीढ़ियाँ। आज तो जैसे मैं मोमोज खा के आया था ना घर से, तो पूरा पेट फुल करके आया था, अदरवाइज उससे पहले जो डाइट होती है वो मैं 6:30-7 बजे तक ले लेता हूँ, बट यहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट मतलब सब खा पी के आया था और मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी ना यार, कांट इवन इमेजिन इतनी तेज़ नींद आ रही थी। एंड टाइम मैंने आपको बता ही दिया, 4:30 बज रहे हैं, बस थोड़े टाइम में छुट्टी हो जाएगी फिर मैं निकल जाऊँगा गुड़गांव से, एंड होपफुली 7:15-7:30-8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। यार इतना टाइम लगता है, थोड़ा रुक फुक के जाता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीता हुआ जाता हूँ, बट अभी तो नींद नहीं है मेरी आंखों में, बिल्कुल भी नहीं है मेरी आंखों में नींद। आज मंडे जैसे लग रहा था क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टिंग हुई है ना, नींद आ रही थी बहुत तेज, लग रहा था बेड मिल जाए थोड़ी देर के लिए यार। अब क्या ब्रेक, छोटे मोटे ब्रेक मिलते हैं हम गरीबों को, एंड चलते हैं ऊपर, और क्या, यही काम है अपना, नीचे आना ऊपर जाना नहीं। हाँ सही बोला ना मैंने, हाँ चलो ऊपर मिलता हूँ आपको या फिर चाय पे मिलता हूँ, बाय 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 गुड नाइट। तो मैं आया था और भी आ गए फिर ब्रेक पे, अब वो आ गए 24/7, अंदर 24/7 में सेलेक्ट करने के लिए ना क्या है, पता नहीं क्या लेके आएगा, जैसे लेके आता फिर मैं बताता हूँ आपको। भाई मैसेज कर रहा है कि अब एक घंटा आ रही है, सही है, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। भाई नींद तो आती है जब नाइट शिफ्ट होती है तो, और नाइट शिफ्ट में नींद ना, फिर नाइट शिफ्ट किस बात की है ना, हम चौकीदार बन चुके हैं अब ये, ऐसा समझ लो। लेके आ गए चिप्स ली हैं यार, क्या क्या इनके पास, रेड बुल कितना बड़ा, ये
ओ ओ ओ नहीं निकालना। इसकी वो मिल जाए एक बार कोलैबोरेशन, मजा नहीं आ जाए। चलो मिलेगी इन फ्यूचर। को आपको आपको एक अपने दोस्त से मिलाता हूँ। ओए क्या, हेलो। अरे नहीं 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 नहीं, लड़ना नहीं। अच्छे बच्चे लड़ते रहिए। हाँ, गुड गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो लड़कियों में एटीट्यूड इतना होता है ना, ये देख, दूर से चिल्लाने लगेंगी ये लड़की है लड़का है, पता लग रही होगी तुम्हें। डोमिनेंट, ऑलवेज डोमिनेंट। बस भाई, गर्ल्स रिमेन्स गर्ल्स। चला चलो। सो गाइस, अब जा रहे हैं हम घर, एंड घर जाके सोते हैं यार। आज चाय वाय नहीं पी रहे, एंड जल्दी से घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं। आज टाइम से घर पहुंच जाऊंगा जितना मुझे लग रहा है। ऑन माय वे, एंड होपफुली टाइम से घर पहुंच जाऊं यार, होपफुली टाइम से घर पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद जाते हैं सोते हैं, फिर जल्दी उठना है, आजकल थोड़ा काम है, पढ़ाई वढ़ाई भी करनी होती है ना, तो इस वजह से हमें जल्दी उठना पड़ेगा। फिर मिलते हैं फिर आपको कल। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को यार। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड देखते रहिए वन एंड ओनली शोभित शर्मा व्लॉग्स।